दोस्तों सामने जो मोबाइल देख रहे हैं ये मेरे एक सब्सक्राइबर का मोबाइल है और ये है रेडमी 6A। और इस मोबाइल के अंदर में MI अकाउंट लगा हुआ है और इस मोबाइल को अनलॉक करेंगे मेडिकल बॉक्स से, सामी टूल से। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए आपको क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी और मेडिकल सामी टूल अगर आपका एक्टिवेट रहेगा और आपके पास क्रेडिट रहेगा तभी जो आप इस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप बिना क्रेडिट के इस मोबाइल को आप अनलॉक नहीं कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे आपको इसे अनलॉक करना है। तो सबसे पहले आपको मेडिकल जो स्वामी टूल है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए और एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट द्वारा ये मोबाइल अनलॉक होगा। कोई भी स्वामी का मोबाइल, कोई भी MI का मोबाइल अगर आप ऑनलाइन वाले मोबाइल को अनलॉक करना चाहेंगे मेडिकल स्वामी टूल से तो आप आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसमें आपका क्रेडिट कटेगा। ठीक है, और एक मोबाइल को अनलॉक करने में 4 क्रेडिट तकरीबन कट जाता है। ठीक है, दोस्तों आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल का जो सावमी टूल है उसे मैंने ओपन कर लिया है और ये मेरे एक सब्सक्राइबर का कंप्यूटर है और इस वक्त मैं जो है उनके साथ ऑनलाइन हूँ। तो चलिए पहले हम डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेते हैं मेडिकल सावमी टूल की मदद से। उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से आपको जो है ऑनलाइन वाले सारे मोबाइल को आपको अनलॉक करना है अगर आपको सावमी टूल से, तो क्रेडिट द्वारा किस तरह से आप अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मान के चलिए ये मॉडल है Redmi 6A, तो Redmi 6A मॉडल पहले हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और ये मोबाइल जो है MediaTek है, MediaTek IC है, तो डाउनलोड मोड पर ही रहेगा ऑटोमेटिक मॉडल नंबर सेलेक्ट करने के बाद। और रिमूव MI अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मोबाइल को बूट करना है। तो मोबाइल को बूट कैसे कर सकते हैं आप, मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद वॉल्यूम माइनस प्लस दोनों को एक साथ दबा के आप केबल लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो बूट कर जाएगा और ऑनलाइन जो है आपके मोबाइल का जो है MI अकाउंट को जो है ये रिमूव कर देगा। ठीक है, और मान के चलिए कभी कभी अगर बीच में अगर सर्वर का रिस्पांस दे रहा है, अगर सर्वर प्रॉब्लम बता रहा है तो आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से जो है अनलॉक नहीं हो पाता है, तो आप बाद में 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मोबाइल को बूट करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 क्रेडिट मांगा जा रहा है, आपको यस कर देना है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी मोबाइल आपका अनलॉक होगा जितना क्रेडिट में, चाहे 1 क्रेडिट में अनलॉक हो या चाहे 4 क्रेडिट में अनलॉक हो, जो भी क्रेडिट अनलॉक होगा, ठीक है, जितना भी क्रेडिट मांगा जाएगा पहले ही आपको निर्देश दे दिया जाएगा कितना क्रेडिट आपका कटेगा। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने यहाँ पे जो यस किया 4 क्रेडिट मांगा जा रहा था और 4 क्रेडिट जो यहाँ पे कट जाएगा और ये मोबाइल जो ऑटोमेटिकली जो आपका सर्वर द्वारा अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से किसी भी MI वाले मोबाइल को जो है आप ऑनलाइन वाले मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। और जो मोबाइल ऑफलाइन में अनलॉक हो रहा है MI का, उसे आप बिना क्रेडिट के भी इस टूल से अनलॉक कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी लेटेस्ट मॉडल होगा वो आपका क्रेडिट द्वारा MI का मोबाइल अनलॉक होगा, ठीक है, सावमी टूल से। और जो मोबाइल जो है ऑफलाइन में अनलॉक हो रहा है वो आप डायरेक्टली जो है इस टूल के माध्यम से अनलॉक कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई क्रेडिट नहीं कटेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप किसी काम आए, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।